हाय एवरीवन, वेलकम टू पियालीस किचन। आज की रेसिपी है रावा पॉम्फ्रेट फ्राई। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पॉम्फ्रेट फिश को मैरिनेट करना पड़ेगा। इसको मैरिनेट करने के लिए हमने लिया है 2 नींबू, लहसुन और हरी मिर्ची, पॉम्फ्रेट फिश। फिश को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले लेंगे हल्दी, नमक। 1 स्पून हल्दी और 1 स्पून नमक लिया है मैंने इतने फिश में। और लेंगे नींबू का रस। ये 2 लहसुन के कलियां और 2 हरी मिर्ची को दरदरा पीस लेंगे और इसको भी फिश के साथ मिला लेंगे। अभी सारे मसाले, नींबू, हल्दी, नमक से फिश को अच्छे से कोट करेंगे। देखिए, ऐसे सारे मसाले और नींबू, नमक, हल्दी से सब फिश को अच्छे से कोट कर लेना है। फिश में मसाला मिलाने के बाद इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। 1 घंटा हो चुका है। अभी फिश को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे मोटे दाने का सूजी यानी कि सेमोलिना लिया है। फिश में नमक और सारे मसाले, नींबू लगी हुई है, इसलिए सेमोलिना अच्छे से फिश में चिपक जाता है और सारे मसाले का टेस्ट सेमोलिना में आ भी जाता है, इसलिए इसके अंदर अलग से नमक या कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे फिश को कोट करके हमको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। पूरे फिश को कोट करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम ही हम लोगों को रखना है, यानी कि 10 से 15 मिनट तक ही आप ऐसे रख सकते हो, नहीं तो पूरा सूजी गीला हो जाएगा और इसका जो क्रिस्पीनेस वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सारे पीस को हम लोग सूजी से कोट कर लेंगे, उसके बाद इसको डीप फ्राई कर लेंगे। इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन डीप फ्राई करने में ही इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। अभी एक सूखे कढ़ाई में तेल ले लिया है मैंने। यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हो। ऑयल हमेशा सूखे कढ़ाई में ही लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयल स्प्लैटर हो सकता है। तेल को थोड़ा गर्म होने देना है। तेल हल्का गर्म हो चुका है, अभी इसमें फिश फ्राई कर लेंगे। एक साथ सारे पीसेस नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है और इस फिश को लो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। अगर आप हाई में फ्राई करेंगे तो बाहर से सूजी फ्राई हो जाएगी, काला हो जाएगा, लेकिन अंदर से फिश पकेगी नहीं। एक तरफ से कम 2 से 3 मिनट तक इसको हिलाना नहीं है, जब तक एक तरफ से ये पूरा पक जाएगा उसके बाद ही उसको पलटना है। देखिए, अभी ये एक तरफ से पक गया है, अभी इसको हल्के हाथ से धीरे धीरे पलटना है। हम लोग ऐसे सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ऐसे बहुत सारे इजी, सिंपल बट टेस्टी रेसिपीज चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो पीसेस हमने पहले डाला था वो अभी बनके तैयार हो गया है, उसको धीरे धीरे निकाल लेंगे। तैयार हो गया है हमारा रावा पॉम्फ्रेट फ्राई। ऐसे धीरे धीरे तेल को निचोड़ के निकाल लेना है। जो पीसेस बाद में डाले हैं उसको बनने में और थोड़ी टाइम लगेगी। ये देखिए, जो पहले के पीसेस हैं, जो पहले डाले थे कढ़ाई में, वो तैयार हो गई है और ये भी तैयार हो गया है। अभी इसको भी तेल से निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, दाल चावल के साथ आप खा सकते हो या तो फिर इसको एज ए स्नैक्स भी आप खा सकते हो।
बहुत ही टेस्टी होती है और फिश स्पेशली पॉमफ्रिट में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस रहता है जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है।